नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में। दोस्तों कुछ दिन पहले हम आपको वीडियो बनाने का जानकारी दिए थे, यानी आप सबको पता होगा कि इस योजना के अंतर्गत बिहार के यानी कि जो भी गरीब परिवार है, यानी कि जातीय जनगणना जब हुआ तो उसमें पाया गया था यानी कि जो 94 लाख ऐसे जो परिवार है जो गरीबी रेखा में आते हैं, तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये बोला गया था कि उन गरीब परिवार को यानी 2-2 लाख रूपये दिए जाएंगे कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए, जिसको लेकर यानी आवेदन प्रक्रिया भी शुरू किया गया था 5 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2024 तक। लेकिन काफी ज्यादा लोगों क्या हुआ कि आवेदन करने से वंचित रह पाए, यानी आवेदन नहीं कर पाए हैं, और बहुत से लोग हैं कि जो आवेदन कर पाए हैं। तो इस पे हम आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर जानकारी भी दिए थे, कुछ अपडेट जो आया था, लेकिन इस बार जो अपडेट आया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये समझना चाहिए। यानी इस बार जो अपडेट आया है कि कितने लोगों ने आवेदन किया है, सबसे ज्यादा किस उद्योग के लिए यानी कौन से उद्योग कौन से कामों के लिए आवेदन आया है, और किन को लाभ मिलेगा, कितने लोगों को लाभ मिलेगा। यानी लगभग हम आपको जानकारी की बात दे दें 2.5 लाख प्लस आवेदन आए हुए हैं, लेकिन जो लाभ जो मिलने वाला है बहुत ही कुछ ही लोगों को जो लाभ मिलने वाला है इसके बारे में, तो किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होगा और भी क्या जानकारी निकलकर सामने आई, हर एक जानकारी हम आपको बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी अपडेट निकल कर रही है बिहार लघु उद्यमी योजना को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर रही है दोस्तों, वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा इसको लेकर जो आवेदन का आखिरी डेट था 20 फरवरी 2024 तक रखा गया था और पोर्टल को बंद कर दिया है। तो काफी ज्यादा लोग क्या हुए हैं कि आवेदन करने से वंचित रह पाएंगे, क्योंकि उनका आय प्रमाण पत्र नहीं है, वो घबरा चुके हैं कि क्या इसको लेकर लास्ट डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आवेदन फिर से लिए जाएंगे कि नहीं लिए जाएंगे। और इसमें भी अपडेट निकल कर आया है कि कितने लोगों ने आवेदन किया है, तो कितने लोगों को लाभ मिलेगा, हर एक जानकारी बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इस वाले वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन एक न्यूज कंपनी है जागरण, इनके द्वारा 2 प्रकार के एक न्यूज जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है, पहला जो न्यूज इसमें बताया गया बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए आए 2,25,000 आए हैं आवेदन, यानी पूरे बिहार का जो आंकड़ा बताया गया है 2,25,000 आवेदन आए हैं, जो कि आपको बता दिए। पहला जो आपके मन में जो सवाल था वो कंफर्म हो गया, यानी कि कितने आवेदन आए थे, ये घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, ये सब बताया नहीं जाता है, क्योंकि ऑफिशियली सूचना जब तक नहीं देखेंगे हम या आप या कोई भी लोग, जब तक ऑफिशियली सूचना नहीं देखते हैं जब तक विश्वास नहीं होता है। लेकिन मानकर चलिए कि 2,25,000 इसमें बताया गया, तो 2,25,000 से ऊपर भी आया होगा, या यानी कि 2,25,000 से मानकर चल सकते हैं, ठीक है, ऊपर भी आया होगा इसमें आवेदन आए हैं पूरे बिहार में। नीचे की ओर जानकारी दिया गया है 2,25,000 आवेदन आए हैं, और उद्योग विभाग ने इसी महीने के 5 तारीख से लेकर इसको लेकर आवेदन लिए गए थे, जो कि लास्ट डेट फरवरी तक था, यानी 20 फरवरी 2024 तक था। बात करते हैं किस लोगों को लाभ मिलेगा, तो इसमें बताया गया जाति आधारित गणना के क्रम में हुए आर्थिक सर्वे में यह बात सामने आई कि बिहार में 94 लाख से अधिक परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, यानी गरीब है, उनकी मानसिक जो आमदनी है 6,000 रुपये से कम है, उन्हीं के परिवार को इसका लाभ दिया जाएगा। जो भी सबसे अधिक जो गरीब परिवार है 42.93% अनुसूचित जाति के लोग हैं जो कि गरीब है, इनको लाभ तो मिलेगा। इसके अलावा सभी कास्ट के लोगों के लिए इसमें आवेदन करने का मौका दिया गया था, क्योंकि जरूरी नहीं कि इसी कास्ट के लोग गरीब होते हैं, बहुत से जो भी कास्ट है उनके कुछ ना कुछ जो भी है गरीब होते हैं, तो सभी को मौका दिया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो गरीब पाए गए थे अनुसूचित जाति के परिवार के जो थे सदस्य उनको गरीब पाए गए थे, जो कि 42.93% इनको लाभ दिया जाएगा। तो अब समझ लेते हैं यानी कि इतना जो आवेदन आए हैं पूरे बिहार में, अब सबसे ज्यादा आवेदन कौन से कामों के लिए आए हैं, तो दूसरा जो कंपनी मतलब वही कंपनी है, लेकिन इस डेट को आवेदन आया 4:13 पे ये पोस्ट किया गया था, और ये जो पोस्ट किया है 1:54 पर, लेकिन इसमें बताया गया सबसे जो आवेदन आए थे किस कामों के लिए, तो बताया गया बिहार के लोगों के लिए पहली पसंद बना सत्तू बेसन का उद्यम, यानी सत्तू बेसन बनाने का जो भी काम था उस काम के लिए आवेदन सबसे ज्यादा आए हैं। निजी के इसमें बताया गया है मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत 9,600 आवेदन आए हैं, इसमें सबसे ज्यादा सत्तू बेसन बनाने के लिए पोर्टल पर आवेदन आए। तो दोस्तों ये पूरे बिहार के लिए नहीं बल्कि एक मुजफ्फरपुर जिला है उसका रिगार्डिंग ये अपडेट आया है। आप समझ सकते हैं एक जिले से जब इतना आवेदन आ सकते हैं, तो बहुत से जिले हैं जहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग काम करना पसंद करते हैं, तो वहां से आया, लेकिन मुजफ्फरपुर जिले से अपडेट आया है। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, क्या लास्ट डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और भी किस तरीके से चयन प्रक्रिया होगा, क्योंकि 2,25,000 लोगों ने आवेदन किया है, तो क्या सभी को लाभ मिलेगा, तो इसमें बताएंगे। तो आप समझ लीजिएगा इतना लोगों ने आवेदन किया है, सबसे ज्यादा सत्तू बेसन के लिए है, जो कि इसमें बता देगा, और भी बहुत से मतलब कामों के लिए आवेदन किए हैं, जैसे मान लीजिएगा सत्तू बेसन के लिए 1,283 आवेदन आए हैं मुजफ्फरपुर में, रेडीमेड गार्डन के लिए 813, मसालेदार उत्पाद के लिए 872, मोबाइल रिपेयरिंग के लिए 642, और भी बहुत सारे इसमें काम है जो कि आप समझ सकते हैं। अब चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि किन लोगों को मिलेगा इसमें लाभ,
यहाँ पे आएंगे तो जो भी है बिहार हेल्प ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, इसको लेकर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन था हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। अब इसी के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने लोगों को लाभ मिलेगा। दोस्तों हमने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि जो भी सामान्य वर्ग है, जो पूरे बिहार में जो संख्या 43,28,282 है, जो कि गरीब परिवार की संख्या 10,85,000, जो कि आप सभी को पता होगा। अब किस तरीके से इसका चयन होगा और कितना पैसा इसमें इस बजट में पास किया गया था, कितने लोगों को लाभ देना है, इसमें जो बताया गया, देख सकते योजना के अंतर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब परिवार सभी परिवारों को जो लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया था योजना के प्रारंभ के लिए, जो भी योजना जो शुरू हुआ था करने के लिए वित्तीय वर्ष यानी 23-24 यानी इस बार जो आवेदन आप लोगों ने किया है, यानी कि 5 फरवरी 2024 से लेकर 20 फरवरी 2024 तक आवेदन लिए गए थे, यानी सेशन 2024 का था, जिसमें 2,250 करोड़ रुपया का और 24-25 में सांकेतिक रूप से 1,000 करोड़ रुपया का बजट प्रावधान का है। तो ये तो 1,000 रुपये का बात अभी छोड़ दीजिए। पहला जो आवेदन हुआ है यानी कि इस साल सेशन 23-24 के लिए 250 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है, तो 250 करोड़ रुपया ही देना है। तो आप गुणा भाग कर सकते हैं कि जहाँ पे 2,25,000 आवेदन आए हैं तो क्या सभी को इसमें लाभ मिल सकता है? 250 करोड़ में आप दे सकते हैं सभी को? तो नहीं दे सकते हैं। तो किस तरीके से मिलेगा, किस तरीके से चयन किया जाएगा, तो आप समझ गए होंगे कि 2,25,000 लोगों ने आवेदन किया है तो जाहिर से बात है उसमें बहुत से लोग क्या किए होंगे कि गलत ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, गलत जानकारी देंगे तो उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि 25,000 लोगों ने गलत जानकारी दे दी या 5,000 लोगों ने गलत, आप मान सकते हैं, हम आपको जानकारी के लिए बता दें ताकि आपको समझ में आ जाए, तो उनको लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाए, तो मान लीजिए 25,000 लोगों को हटा दिए तो 2,00,000 लोगों को 250 करोड़ में तो लाभ आप दे नहीं पाएंगे। तो किस तरीके से इनका चयन प्रक्रिया होगा, तो नीचे क्यूआर कोड डाउन करने पर इसमें जो नोटिफिकेशन में जानकारी बताया गया था किस तरीके से चयन करना है, इसमें नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बताया गया योजना कार्यान्वयन के प्रक्रिया में बताया गया योजना हेतु आवेदन प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन आवेदन की मांग की जाएगी। दोस्तों इसको लेकर इसी बार में आवेदन मतलब नहीं हुआ है और हर एक साल इसको लेकर आवेदन लिए जाएंगे, जो कि इस साल के जो आवेदन था 5 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक लिए गए थे, फिर इसके बाद इसे आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी कि हर एक साल इसको लेकर आवेदन मांग की जाएगी और इसकी जो की जो भी आवेदन प्रक्रिया इसी वाले वेबसाइट के माध्यम से लिए जाएगा, जो कि इसमें बता दिया गया। अब चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगा, जो भी आवेदन जो किए हैं 2,25,000 लोगों ने आवेदन किया है, तो अगर उनका आवेदन अगर सही तरीके से पाए, मान लीजिए 2,00,000 लोगों का आवेदन सही है, तो उनको जो भी चयन जो प्रक्रिया किया जाएगा कंप्यूटराइज यानी लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि मान लीजिए कि 250 करोड़ रुपया पास है इस सेशन के लिए यानी सेशन 23-24 के लिए, तो इसमें 250 करोड़ रुपया देना है तो लगभग 10 या 11 हजार लोगों को लाभ देना है, तो इनको 2,00,000 लोगों ने आवेदन किया है तो मान लीजिए चयन जो करना है 10 ही हजार लोगों को करना है 12 हजार, तो उनको नंबर दाब दिया जाएगा कि इतने लोगों को लाभ देना है, तो उसमें दाब दे नंबर कंप्यूटर के माध्यम से कर देने के बाद कुछ उतने ही लोगों को चयन किया जाएगा जिनका भाग मतलब सही होगा, भाग समझे या कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझ सकते हैं, उतने लोगों का नाम आ जाएगा और नाम आ जाने के बाद उतने लोगों का आवेदन मतलब इसका लाभ मिल सकता है। तो यही कुछ जानकारी है दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। और रहा बात डेट के बढ़ने के, तो डेट बढ़ने के लेकर कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है, डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, जैसे बढ़ेगा तो आप आवेदन कर सकते हैं, नहीं बढ़ेगा आप इतना मान कर चलिएगा कि डेट अब बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब नए स्तर से आवेदन लिए जाएंगे, क्योंकि जितने लोगों के इसमें इस बार जो चयन किया जाएगा प्रक्रिया खत्म कर लेने के बाद नए आवेदन लिए जाएंगे।